हेलो फर्स्ट, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। पर फिल्म अमर अंसारी आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म भोला के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर फोर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, द ऑल इम्पोर्टेंट मंडे हैज फाइनली अराइव्ड। जस्ट 3 डेज टू गो फॉर द रिलीज ऑफ भोला, यानी कि मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे ये फिल्म आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमाघरों में सिर्फ 2D में नहीं, 3D में नहीं, बल्कि IMAX 3D वर्जन में भी रिलीज हो रही है। यस, IMAX 3D के जो टाइमिंग्स है वो अर्ली मॉर्निंग 9 बजे, 12, 12:30 नहीं है, 1 बजे से कई जगहों पर शोज जो है शुरू हुए हैं। मुंबई में जो प्राइम मल्टीप्लेक्सेस है जैसे कि फिनिक्स हो गया हो, वहां पर ऑलमोस्ट शाम से शोज शुरू हुए। तो अगर आप इस फिल्म को IMAX में देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भैया अपने टिकटें जो बुक कर लीजिए। एंड द 4DX वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर भोला। जब भी कोई हिंदी फिल्म 4DX में आती है इट्स अ प्रिविलेज, क्योंकि बहुत कम फिल्में हैं, हिंदी फिल्में जो प्रॉपर 4DX में आती है। मैंने पठान 4DX में देखी थी एंड द एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट। भोला में हाई ऑक्टेन एक्शन होगा, बाइक चेस सीक्वेंसेस इन 4DX इज मैड, योर सीट गोज क्रेजी इन दो सीक्वेंसेस। तो जाइए अपने टिकट्स बुक कीजिए। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भोला एडवांस बुकिंग के बारे में ऑन द मंडे, कि आज इसे रात तक कितनी एडवांस बुकिंग करनी है, इसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग के बारे में, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं इसके ओवरसीज बॉक्स ऑफिस से। तो गाइस जर्मनी में यहाँ पर एडवांस बुकिंग जो है भोला की वो शुरू हो चुकी है। एंड गाइस ओवरसीज इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट ले जा रही है। यस फ्रेंड्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट भोला को ओवरसीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एंड सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि सिंगापुर, UAE, GCC में सभी जगहों पर एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है अलॉन्ग विद यूनाइटेड किंगडम। सो गाइज ये प्रॉपर यहाँ पर कन्वेंशनल टेरिटरीज है जहां पर अपनी हिंदी फिल्में अच्छा बिजनेस करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर एडवांस बुकिंग जो है माइंड ब्लोइंग फिल्म्स जो है उनको वहां ले जा रही है, वो खुल चुकी है। इतना ही नहीं, द IMAX मेलबर्न सिनेमा हैज ऑलरेडी ओपन इट्स एडवांस बुकिंग। USA में भी एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सो गाइस USA यानी कि पूरा नॉर्थ अमेरिका जो है रिलायंस एंटरटेनमेंट इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। UK, UAE, GCC, सिंगापुर, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज जो है वहां पर भोला की एडवांस बुकिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पर हम बात करते हैं तो झूठी है मक्कार की एडवांस बुकिंग के बारे में। ये लास्ट फिल्म थी इसीलिए इसका एग्जांपल लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस झूठी है मक्कार की एडवांस बुकिंग 3.65 करोड़ की हुई थी एंड इसका ATP 215 से 220 रुपए था, यानी कि एवरेज टिकट प्राइस 215 से लेकर 220 थी। एंड इसने 1,24,000 टिकट जो है वो बेची थी पहले दिन की एडवांस बुकिंग, सिर्फ पहले दिन की। अगर भोला उतने टिकट्स बेचने में कामयाब हो जाता है तू झूठी है मक्कार से बहुत ज्यादा की ओपनिंग लेगा, क्योंकि तू झूठी है मक्कार की ओपनिंग जो थी वो 15.73 करोड़ की थी, यानी कि 15.73 करोड़ की। भोला का जो IMAX वर्जन है उसकी टिकटें 500 रुपए की है, उसका 4DX 540 का है, एंड गाइस 3D वर्जन भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 260 रुपीज का है, यानी कि तू झूठी है मक्कार से ज्यादा प्राइजेस भोला के टिकट के है। तो अगर भोला ने पहले दिन उतने भी टिकट बेचे यहाँ पर एडवांस बुकिंग में तो इसका कलेक्शन आराम से 15.73 करोड़ के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आज के एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। तो कल रात तक की एडवांस बुकिंग 34.50 लाख की हुई थी। मैंने आपको कल रात के एपिसोड में बताया था कि अगर सुबह तक 40 लाख की भी एडवांस बुकिंग होती है तो बहुत अच्छा होगा, एंड भोला की एडवांस बुकिंग अभी फिलहाल 39.50 लाख की हुई है। आज रात तक भोला को कैसे भी 1 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर करनी करनी है, क्योंकि गाइस नाउ वी आर इन द एंड गेम्स, इट्स जस्ट ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। उसके बाद सब कुछ निर्भर करेगा वॉक इन ऑडियंस पे। रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर वॉक इन ऑडियंस ज्यादा आने की संभावना है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वॉक इन ऑडियंस जो है यानी कि ओवर द काउंटर टिकट सेल पर यू नो जो फिल्म है वो ज्यादा टिकटें बेचेगी। लेकिन द एडवांस बुकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है एक फिल्म को लेकर। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, कल एंड परसों डिसाइड करेगा कि भोला कितने की एडवांस बुकिंग लेता है। कल रात तक इसका जो 3D वर्जन है यहाँ पर उसने 21,48,000 की एडवांस बुकिंग की थी, एंड अभी सुबह 24,20,000 की एडवांस बुकिंग जो हो चुकी है 3D वर्जन की। तो 3D वर्जन इज डूइंग गुड। 2D वर्जन की बात करें कल रात तक 5,08,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी, अभी 6,86,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एंड गाइस कल रात तक इसका जो 2D वर्जन है उसने सेल किए थे 2,250 टिकट्स, एंड अभी मॉर्निंग में 2,742 टिकट्स। बात करूं 3D वर्जन की तो कल रात को 7,115 यानी कि 7,115 टिकट्स वर सोल्ड, एंड अभी मॉर्निंग में 8,100 टिकट्स जो है बिक चुके हैं। तो ये 2D एंड 3D वर्जन में जो मूवमेंट है
वो काफी इनकरेजिंग है भोला के लिए। अब बात करते हैं आईमैक्स की, तो आईमैक्स में अभी फिलहाल एडवांस बुकिंग 4,64,000 की हुई है, कल रात तक 4,45,000 की एडवांस बुकिंग जो थी वो हुई थी, या यस्टरडे नाइट 804 टिकट्स वर सोल्ड एंड मॉर्निंग तक 830 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। 4DX कल रात को 3,40,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी एंड अभी 3,67,000 की है। कल रात 627 टिकट्स वर सोल्ड एंड मॉर्निंग 677 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, यानी कि 39.50 लाख का एडवांस बुकिंग अभी हुआ है एंड ऑलमोस्ट 12,350 यानी कि 12,350 टिकट्स वर सोल्ड। डेली आपको PVR, आईनॉक्स एंड सिनेपोलिस जो नेशनल चेन ऑफ सिनेमाज है वो अपने नंबर्स जो है ऑफिशियली पुट करते हैं यहाँ पर मीडिया में, एंड कल रात तक इसकी जो PVR, आईनॉक्स एंड सिनेपोलिस के नंबर्स थे वो थे 7,000, यानी कि ऑफिशियली 7,000 टिकटें जो है वो बिक चुकी है भोला की PVR, आईनॉक्स एंड सिनेपोलिस में। मॉर्निंग तक वो नंबर डेफिनेटली बड़ा होगा, आफ्टरनून आते आते उसके जो चेंजेस है नंबर्स में आपको सामने आ जाएंगे, यानी कि लगभग 12,350 के ऊपर टिकटें आप समझ लो कन्फर्म भोला की जो है यहाँ पर बुक हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म अब कहीं ना कहीं 13-14 करोड़ रुपए कमाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइस बात करते हैं अभी शो काउंट्स की, तो मोस्टली सभी जगहों पर शोज जो है कल रात को जितने थे उतने ही है। यहाँ पर मुंबई में इसके शोज जो थे 382 से 387 हुए हैं 3D, दिल्ली NCR में 525 से 527 हुए, बाकी सभी जगहों पर सेम है। सूरत में 82 से 87 हुआ है यहाँ पर शोज। अहमदाबाद की बात करूं तो 126 से 147 हुए हैं, सूरत में 51 से 56 हुए हैं, यानी कि अभी भी फुल फ्लैश एडवांस बुकिंग जो है भोला की वो शुरू नहीं हुई है, और भी शोज ऐड होंगे एंड लगभग 1,000 शोज मिलाकर यहाँ पर भोला जो है मैदान में उतरेगा। मुंबई में 52 से 67 हुए 2D शोज, बात करूं यहाँ पर पुणे की 28 से 37 हुए हैं। अब गाइज कल मैंने कमेंट्स में पूछा था कि आपको और कौन से शहर चाहिए एडवांस बुकिंग के लिए, तो गाइज मैक्सिमम कमेंट्स यहाँ पर जिस शहर के लिए आए उसकी आपको बता रहा हूँ। भोपाल में 19 2D शोज है, भुवनेश्वर इज डूइंग रियली गुड। भुवनेश्वर एक आपको आइडिया दे देता है मास फिल्म्स के बारे में कि एग्जैक्टली उनकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है, एंड मैंने पहले ही कह दिया दिस फिल्म विल डू रोरिंग बिजनेस इन बिहार इन ओडिशा, इज गोना बी क्रेजी। आप लोग देखना ओपनिंग डे के बाद ये टेरिटरीज मैक्सिमम कलेक्शंस जो है वो रिपोर्ट करेंगे। बात करो भुवनेश्वर की तो गाइस 3D शोज इसके 36 है एंड एक्सलेंट 6% ऑक्यूपेंसी है, सभी जगहों पर उतनी नहीं है। बात करो 2D शोज की तो 7 2D शोज है इसके पास, जयपुर 85 3D शोज है एंड 26 2D शोज है, वडोदरा इज अ स्ट्रांग सेंटर, कल से हम इसको हमारे जो नेशनल लिस्ट है उसमें ऐड करेंगे। 3D शोज 95 है, सॉलिड शो काउंट है एंड 44 2D शोज है। इंदौर इज डूइंग रियली गुड, 30 शोज में 3D शोज में 4% ऑक्यूपेंसी है एंड 19 2D शोज है एंड देहरादून में 27 शोज में 3% है। ओके आपके शहर के अगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बताऊंगा। आपके कुछ भी सुझाव है भोला को लेकर, कोई भी जानकारी आप कमेंट्स में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ओके गाइज मेन थिंग इज 100 बात की एक बात, टिकट जाकर बुक करनी है, दैट्स इट एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।